हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। कल का दिन पे थोड़ा मेरा कमर पे पेन हुआ था, तो उस कारण जो है हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे ऐसे सोच रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद जो है मैंने लेमो को बोला आगे में अगर पेट का आगे में और पीछे साइड में जो है कमर पे पेन होगा तो उस टाइम पे जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला था कि हम लोगों को 14 तारीख तक रुको, तो कल का 14 तारीख तो चला गया, तो ऐसे नॉर्मल रहा, कुछ भी उतना पेन वगैरह नहीं हुआ। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि शायद जो है पहले जो डॉक्टर ने टाइम दिया था वही टाइम का हिसाब से जो है बेबी आ जाएगा 17 या 18 को। अभी तो तबीयत ठीक है मेरा, तो अभी सुबह सुबह सभी जो है उठ चुके हैं। उठने के साथ साथ मम्मी जो है खेत पर काम कर रही है और मैं थोड़ा सा खेत पर आई हूँ घूमने के लिए, इससे वॉक भी हो जाएगा। और मम्मी तो काम कर रही है यहाँ पे सुबह सुबह, देखो इसमें जो है इसमें क्या लगा रही है, ओह हाँ वो जो क्या कहते हैं लेडी फिंगर जो है उसका सीड वगैरह यहाँ पे मम्मी उगा रही है। कल हाँ उधर से लेके आ रहे हैं, हाँ और लंबा करके कल वहाँ पे अदरक भी लगा दिया। अभी यहाँ इस साइड पे जो है लेडी फिंगर ओकराना क्या कहते हैं हिंदी में बिंदी बिंदी, हाँ बिंदी भी कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं, तो वही जो है मम्मी यहाँ पे लगा रही है। सभी जो है व्यूअर्स भी परेशान है और हम लोग का घर वाले भी परेशान है, बेबी कब को निकल आएगा। तो अभी जो है चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने तो परसों में बोला था, हम लोग परसों में मेडिकल गए थे तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया यहाँ पे पेन वगैरह होती है, तो लगातार तो नहीं ऐसे कभी कभी अचानक से होती है, तो लगातार जब आ जाएगा वो सब जो है लेबर पेन होती है। तो डॉक्टर ने बोला चेक करने के बाद सब नॉर्मल तो है, अभी चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे बस 14 तारीख को देखो या उसके बाद जो है वो 17 या 18 को भी हो सकता है बोले। तो बच्चा जो है धीरे धीरे नीचे पर चला आ रहा है ऐसा बोले तो देखते हैं, अभी तो बस सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है सब, पेन वगैरह उतना नहीं है। तो जब पेन ज़्यादा हो जाएगा पेट पे और कमर पे, तो उस टाइम पे जो है हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। और सभी क्या क्या गाली वगैरह दे रहे हैं, ऐसे क्या ही रिप्लाई दे दे, किसी को भी रिप्लाई दे नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि जब भी रात होती है पूरा नींद इतना ज़ोर से आती है ना, तो उस कारण जो है कमेंट्स वगैरह रिप्लाई देना मुश्किल है, तो मैं बस पूरा मज़े से सोती हूँ। तो अभी किसी को भी रिप्लाई दे नहीं पाऊँगी जब तक बेबी नहीं आ जाता तब तक। तो अभी मैं सबके लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, दीदी गई है भैया का घर पर, क्योंकि हम लोग का जो मास्टर लिप्स का सीड वगैरह है धूप में दे दिया था, तीनों कड़कती धूप में दो बार धूप में सुखा दिया, अभी जो है उसका तेल वगैरह निकालना पड़ेगा। तो दीदी भी बिजी रहेगी और मंजिता पूरा मज़े से सो रही है, अभी तक उठी नहीं। तो लेमो भी सुबह सुबह जिम पे चला गया है, मेरा तबीयत ठीक है बोल के वो जिम पे चला गया, वो जिम पे आने के बाद जो है भूख लगेगा। तो वैसे भी सूरज जो है देख सकते हो कितना निकल आ चुका है यहाँ पे, आज भी एकदम कड़कता धूप देगा रे लगता है। तो मैं अभी बना लेती हूँ खाना सबके लिए, कल का सब्जी भी थोड़ा थोड़ा है, बस एक तो सब्जी पकाने से हो जाएगा, जो हल्का हल्का काम होते हैं ना वो सब जो है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी एक्टिव रहना चाहिए, बॉडी से जो है पसीना निकलना चाहिए। चलिए अभी शुरू करते हैं किचन से। यहाँ पर निकाल दिया है मैंने, 2 बनाना फ्लावर है और जमीन का तारा भी है 5, पूरा सूख गया है, तो इसे जो है मिक्स करके पकाऊंगी, और इसमें जो है थोड़ा सा खुशबूदार पत्ता है पूरा सूख गया ये भी, तो इसे जो है मिक्स करके पकाऊंगी। और मम्मी भी अभी आ चुकी है खेत से, बहुत गर्मी दे रही है ना, तो थोड़ा रेस्ट कर करके इसे काम करो, ज़्यादा हैवी काम मत करो, इससे गर्मी में शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा। और दीदी भी आ चुकी है, स्कूटी भी लेके आ चुकी है, वो कभी भैया के पास में रहता है कभी हम लोग का पास में रहता है, क्योंकि भैया को भी चाहिए होता है ना स्कूटी जो। और यहाँ पर है ये लाई पत्ता का सीट पूरा एक बुरा, तो तेल जो है कितना निकल आता है देखना पड़ेगा, तो हाँ जब तक वो तेल पीस ना दे तब तक रुकेगा वहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है होगा। यहाँ पका रही है आलू और बनाना फ्लावर का सब्जी, लास्ट में जो है खुशबूदार वाले पत्ते को दे दूँगी, और चावल तो हो चुका है, और इसमें जो है कल का मटन भी है और कल का थोड़ा मशरूम भी है इसमें है, तो बस हो जाएगा।
और मंजिता भी उठ गई, फ्रेश अप भी हो चुकी है और पानी बोतल भर रही है क्योंकि ज़्यादा धूप दे रही है, फ्रिज में रखना चाहिए, है ना मंजिता? हाँ। और तेरा आइसक्रीम हो गया? हाँ। आइसक्रीम बना दिया था कल। पूरा काम करती जाती है मंजिता। तो अभी बस हो जाएगा हम लोग का ब्रेकफास्ट और ये पत्ते को जो है अभी मैं वॉश करके रख देती हूँ। पूरा खुशबू है, देखो ना पूरा सूख गया। फटाफट से जो है मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। एक तो सब्जी पकाई थी तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो मिक्स सब्जी और इसमें जो है मशरूम और इसमें मटन, तो इसी के साथ हम लोग जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बेचारा ये भी भूखा है। कल जल्दी में खाना खाया ना, इसके कारण जो है सुबह में थोड़ा हम लोग लेट होते हैं, आलसी लोग। दीदी जो है वहाँ पर मेरे लिए ऑमलेट बना रही है, मंजिता के लिए भी बना दिया है। मंजिता जो है मटन नहीं खाएगी, तुम खाएगा? ओ ब्रेकफास्ट वगैरह भी खा लिया है, अभी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो लाइट है फिर भी बहुत ही ज्यादा गर्मी है, फैन का हवा लेने से भी फिर भी गर्मी लगती है। ऐसे बाहर पर जो है एकदम नेचुरल हवा, ठंडा ठंडा हवा जो है आ रही है। दीदी वहाँ पे रेस्ट कर रही है और यहाँ हम दोनों रेस्ट कर रहे है। मंजिता और मम्मी जो है पूरा आराम से वो दोनों मूवीज देख रहे है। और अभी जो है दीदी रेस्ट करने के बाद बेबी का जो यहाँ पे बटिंग टॉवल है, ये छोटे छोटे वाले, तो इसको जो है वॉश कर देगी और धूप में सुखाना पड़ेगा। जो हम लोग का सब्सक्राइबर थे ईटानगर से जो आए थे ना, वो दीदी लोग, तो उन्होंने जो एक तो मीटर वाला कपड़ा लेके आया था, बहुत ही बढ़िया एकदम प्योर कॉटन का, तो उसमें से जो है 8 पीस निकल आ चुका है वो कपड़ा। जो थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ, इसको दिखाओ ना, छोटे छोटे है, बहुत ही बढ़िया है। This is called guohani. Guohani बोले तो तत्ती का खानी, guys. तत्ती तत्ती पोसने के लिए एक्चुअली, इसलिए हम लोग गुहानी बोलते हैं। जो लपेटने के लिए, लपेटने के लिए ना। क्या खुशबू है, क्या खुशबू, बेबी का खुशबू आ रहा है। सकीना ने जो है बढ़िया से फिनिशिंग मार दिया ना। कैसे लेते हैं बच्चों को, तो मुझे आइडिया भी नहीं, सीखना पड़ेगा तुमको तो। अभी इसको वॉश करना पड़ेगा, फिर धूप में देना पड़ेगा। ऐसे तो हवा की वजह से भी सूख जाएगा ना, ये पूरा हल्का है, बहुत जल्दी सूख जाएगा। बहुत बढ़िया है, सफेद वाला कलर बहुत अच्छा होता है। चलो अभी उसको जो है रख देती हूँ यहाँ पे, दीदी वॉश कर देगी और मैं रेस्ट कर लेती हूँ और देख लेती हूँ क्या ब्लॉग बना पाती हूँ। गर्मी के कारण तो पूरा हालत खराब होती है, तो ऐसे दिन भर क्या ही करेंगे। तो रेस्ट ज्यादातर करती हूँ मैं, तो ज्यादा बाहर उधर इधर उधर तो घूम नहीं पाती हूँ ना, तो देख लेती हूँ शाम का वक्त में जो है मैं ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू करूंगी। मम्मी बेबी का कपड़ा को वॉश कर रहे, आने वाले बेबी का कपड़ा ना। हाँ, मम्मी हाँ। क्योंकि मामी नहीं धो सकेगा, ये हल्का है ना, तो पानी ढालने से धोने से पूरा भारी हो जाएगा, इसलिए आप ही धो दे देना। इसे भी झुकने के लिए तकलीफ होता है उसको। हाँ, झुकने से पेट तो बहुत दर्द देता है ना। हाँ। मामा बोल रहा था ना सुबह सुबह, हाँ। इंजेक्शन मार के पेट दर्द करके बच्चा को निकाल देगा बोल रहा था ना मम्मी। हाँ, तो मामी का पेट दर्द होता ही नहीं है आपका, मामी का इतना। हाँ, इतना देखने का मन हो रहा है ना। मंजिता का तो हॉस्टल जाने का डेट आज का है 15 तारीख, फिर भी हम लोग उसको नहीं पहुँचा रहे, सोचा कि बेबी को देख के पहुँचा दे, लेकिन बेबी आता ही नहीं है मंजिता। सिस्टर फादर लोग भी कॉल नहीं करते, आज को नहीं आएगा बोलने के लिए ना। कॉल ही नहीं उठाया मैंने, कॉल किया है। हाँ। फिर बाद में मैं कोशिश करूंगी सिस्टर को फोन करने के लिए। हाँ। बोल दूंगी कि मंजिता आज नहीं आएगी। हाँ, बच्चा देखने का पार्ट ना। अभी नानी और मैं टीवी देख रहे हैं मजा से, उसके बाद मामा बुलाए हमको ब्लॉग बनाने के लिए, तो हम ब्लॉग बना दे रहे हैं मामी का चैनल पे। नानी ना इतना बड़ा साउंड कर दो बोल रहा है, इसलिए इसलिए तो हम नहीं सुनते। हम तो ना बस थोड़ा सा ही साउंड करने से हमको सुनाई देता है, पर भी पता नहीं नानी को क्यों सुनाई नहीं देते, इसलिए तो हमको सुनाई नहीं देते, इतना बड़ा बड़ा आवाज करता है ना। देखो हम ब्रश मार रहे, बस इसको पानी में डुबा के और ब्रश मार के हो जाएगा ना। हम लोग का नियम में क्या होता है कि जो फास्ट बेबी मतलब पहला आता है, उसका कपड़ा जब वॉश करते हैं हम लोग निचोड़ते नहीं है इसको। हाँ। और उसको ऐसे करके निचोड़ेगा भी नहीं, मतलब थोड़ा भी नहीं करना है ऐसा, नहीं तो हम लोग नियम में कहता है बच्चा जो होता है जैसे कपड़ा को ऐसे निचोड़ेगा वैसे शरीर से ऐसे करते रहता है, इसीलिए मैं सिर्फ ब्रश से कर रही हूँ, उसके बाद में पानी से उठा के सीधा ऐसे ही सुखाना पड़ेगा।
अच्छा, उसका पानी तो गिर जाएगा खुद खुद से ना, उसके बाद सूख जाएगा। कल को हॉस्पिटल जाना था ना मामा लोग को, लेकिन मामी का पेट दर्द हुआ ही नहीं इसलिए गया ही नहीं। हाँ, अभी कब पेट दर्द देगा वो मामी का, हमको इतना देखने का मन हो रहा है। कपड़ा भी धो के हो गया, अभी हल्का हल्का सा पानी निकल रहा है, टीप से लगा दिया जो मामा खरीद के लाया था ना तेजू बाजार से, इस वो से आया। हम धूप देखने ही नहीं सो रहे। ये जो है गाइस, दिस इज कोकोनट, बोले तो नारियल। एक्चुअली जो है मैंने किसी वीडियो में देखा था कि इसको अगर फ्रीजर में रख कर फ्रीज करोगे तो छीलने के बाद उसका अंदर का जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। तो आज मैंने रात भर इसको फ्रीजर में रखा टेस्टिंग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को। तो अभी देख लेते, हील तो नहीं रहा है, मेरे हिसाब से हो चुका होगा बर्फ। तो अभी छील के देखना बाकी है बस। तो अभी छील के देख लेते हैं ना अंदर में निकलता है कि नहीं। कुकलुक कुकलुक नहीं कर रहा है ना? नहीं कर रहे। कुकलुक कुकलुक तो सुनाई देता है ना। देखते हैं, पूरा आइस बन चुका है क्या? हाँ, आइस। क्या क्या नया नया टेक्निक ये सीखता है, देखता हूँ ना वीडियोस चाइनीज लोगों का। पूरा पत्थर बन गया ये पत्थर, देखो अभी वहाँ पूरा छूने से ठंडा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग तवांग में। अब उसको फिर से वो छीलना पड़ेगा। हाँ, अभी अंदर में आइसक्रीम होगा ना। हाँ, उसको देखना पड़ेगा। अभी खार लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वाह वाह, चाकू से करो। वाह वाह, पूरा थोंग थोंग कर रहा है। वाह वाह, सच में चम्मच से कैसा है? बढ़िया बढ़िया है, चम्मच से मजा है ना। टेस्टिंग करके देख लेते हैं अभी, ये तो बिल्कुल आइस, जस्ट वाव वाव। देख लेते हैं टेस्टिंग करके। चीयर्स। कैसा है? लास्ट में ना पूरा पानी पानी, शुरू में थोड़ा मजा आता है, थोड़ा नमकीन लगता है, लेकिन लास्ट में पूरा नॉर्मल पानी जैसा होता है वैसा ही टेस्ट है। नारियल का जैसा टेस्ट है। नारियल का जैसा टेस्ट है। तो क्या है ये? हाँ, नारियल नहीं तो क्या है ये? नमकीन नमकीन है। टेस्ट करो तो। हाँ चलो। मुझे ठंडा खाना नहीं चाहिए बोला है, बट थोड़ा सा टेस्टिंग कैसा है? इसे दाब का स्मेल आ दिया। मम्मी को तो ठंडा इतना पसंद नहीं है, वो मैं डालने के लिए हजार बार सोच रही है। पानी जैसा है, पानी तो बाहर पर जो है बहुत ही खतरनाक से धूप दे रही है। अभी घर पे जो है बस हम तीनों ही है, लम्बू भी तेजू पे चला गया, पता नहीं उसका क्या काम निकल पड़ा है, सरप्राइज सरप्राइज बोल रहा है, पता नहीं क्या ही सरप्राइज होगा। तो अभी दीदी और मैं हम लोग जो है होममेड वाला अचार बनाएंगे। उस दिन जो मंजिता के लिए दीदी ने बनाई थी ना वो वाला, वो जो है बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। तो इस बार जो है मुझे इससे खट्टा खाने का मन हो रहा है, तो घर पे भी रखेंगे। तो और मंजिता के लिए भी जो है वो एक्स्ट्रा चिकन से जो है बना लेना पड़ेगा ना, नहीं होगा तेल कम है, लोकल तेल से जो है बस मंजिता का जो चिकन का अचार वगैरह है वो बना देगी। एंड आज जो है बेम्बू शूट का अचार बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने निकाल दिया है पेरेला सीड्स, ये देखो सिसम क्या कहते हैं, सिसम सीटना क्या पता नहीं, यहाँ इंग्लिश में तो पेरेला सीड कहते हैं, पेरेला सीड। तो इसको जो है थोड़ा सा ड्राई करके रोस्ट करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग जो है, लाइट भी चला गया है, ग्राइंडर पे पीस नहीं पाएंगे, वो वाली उकली पर पीसना पड़ेगा। ये देखो हो जाएगा। मंजिता का थोड़ा कम पड़ गया, उसको भी थोड़ा और ऐड कर देंगे, पूरा डिब्बा में फुल कर देंगे। हाँ हाँ हो जाएगा। अभी बनाते हैं बेम्बू शूट का अचार। तो आप लोग जो है वीडियो पर बने रहिए, हम लोग कैसे बनाते हैं बहुत ही सिंपल है। जब भी ना खट्टा खाने का मन हुआ ऐसा रेसिपीज बनाना, मुझे आजकल खट्टा खाने की मन हो रही है,
कल से, एक्चुअली कल से खाने मन हो रही है। तो हम लोग का बगीचा वाला आम भी बहुत छोटा छोटा है, नहीं तो आम का अचार बनाना था, अभी क्या ही करेगा, छोटा छोटा है। और दीदी जो है यहाँ पे करेला सीड्स को ड्राई करके रोस्टिंग कर रही है। और यहाँ पर जो है मंजीता का अचार, ये देखो बेम्बू सूट का अचार, उस दिन बना दिया था। तो अभी मैं थोड़ा लहसुन छीन लेती हूँ, बेम्बू सूट का अचार पर जो है हम लोग लहसुन दे देंगे। तो सबसे पहले इसको रोस्ट होने के बाद पीसना पड़ेगा ना, पीसने के बाद यहाँ से बेम्बू सूट फ्राई करना पड़ेगा। चलो अभी बना लेते हैं इसका प्रोसेस। ड्राई हो चुका है यहाँ पे, ये देखो अभी जो है ये वाली उखली पर खोटना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा अभी, ज़्यादा नहीं। जैसे हम लोग का जो ये वाला क्या बोलेगा, इसको क्या कहता है, दालगास, हम लोग तो दालगास कहते हैं, इससे ऐसे ऐसे खोटना पड़ेगा। यहाँ जो है दीदी ने पीस भी दिया है, पेरेला सीड का पाउडर बना दिया है ये देखो। और मैंने जो है हल्का सा लहसुन यहाँ पे तो छील के रख दिया। और कढ़ाई पे जो है दीदी ने मस्टर्ड ऑयल भी दे दिया है। तो अभी बेम्बू सूट को निकाल दिया है, ये परमानेंट बेम्बू सूट है, पूरा जूसी जूसी। ये जूस जो है हम लोग मीट के साथ भी बॉयल करके खा सकेंगे और फिश के साथ भी। तो जूस को नहीं देंगे, बस बेम्बू सूट को निकाल के यहाँ पे फ्राई करना पड़ेगा। तेल भी गर्म हो चुकी है, अभी चलो मंजिता का इसमें जो है फूल करना पड़ेगा ना ये डिब्बे में। और हमारे लिए थोड़ा सा सबसे पहले लहसुन, खुशबू आ रही है, अभी पूरा छें करेगा, पानी है ना उसमें डिब्बे में। इसमें मिर्च देने की जरूरत नहीं है, मंजिता को झाल लगता है बोल के मैंने थोड़ा सा दिया है। आपको तीखा खाने में तो मिर्च ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐड करूंगी इसमें तो ठीक है। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, ये जो हमने बनाए थे वो वाला ना। हाँ। ये, अभी जूस को रखेंगे फिर से, उसमें जो है हम लोग वो मछली के साथ भी बॉईल करके खा सकेंगे। तो अभी सबसे पहले इसको फ्राई करना पड़ेगा। नमक दिया इसमें स्वाद के अनुसार, अभी हल्दी थोड़ा सा देगा नहीं तो कमर ठीक नहीं आएगा। हल्दी दे दिया, अभी ये बेम्बू सूट को जो है ठीक से फ्राई करना पड़ेगा। तो इसमें जो है हम लोग लो फ्लेम पर रख दिया है, तो इसको ब्राउन कलर का होना पड़ेगा, फिर बाद में ठंडा होने के बाद जो है हम लोग इसको ऐड कर देंगे और थोड़ा मिर्च पाउडर भी दे देंगे यहाँ से। तो अभी बस इसको होने देते हैं। लाइट भी नहीं है और हम लोग का मंजिता जो है बाहर बेल्कोनी पे सो रही है, वो देखो यहाँ पे लुक ये भी है। और इधर में मंजिता, इस साइड में गर्मी ज्यादा होती है ना, अभी ठंडा हवा भी नहीं आ रहा है, क्या ही मस्त करके सो रही है। हम लोग जो है इसको पंखा का हवा, लोकल पंखा हवा खिला रहे हैं, क्या सपना देख रही है, कभी हंस देती है। कलर पूरा चेंज हो चुका है, तो दीदी ने जो है थोड़ा सा मिर्च का पाउडर दिया ना, तो मंजिता के लिए इसमें रख दो। और क्या कहता है, और थोड़ा सा स्पाइसी करूंगी इसको मैं।
हो गया है। अभी मंजिता के लिए दीदी निकाल रही है क्योंकि मंजिता जो है ज्यादा टीका खा नहीं सकती है, तो यहाँ से ऐड कर दो। अभी डायरेक्ट इससे ऐड कर दो ना। लम्बू भी हब भी अभी आ चुका है, ये देखो पूरा लाल हो चुका है ना, इतना गर्मी में। रेस्ट करो, लाइट नहीं है, नहीं है, गायब हो गया। हम लोग अचार बना रहे हैं, इसी से खाना खाएंगे अभी दोपहर में। चलो मिक्स करेंगे। भूख भी लग रहा है। वो वाला थोड़ा डार्क हो गया ना अभी जो बनाया है। ये तने खा के देखी। देखो आसमान छू लेगा। बहुत बढ़िया है। पूरा बढ़िया लग रहा है ना। मंजिता का हिस्सा तो हो चुका है फुल एक डिब्बा ना, और कल फिर से बनाना पड़ेगा उसके लिए लोकल तेल आने के बाद। अभी मेरा वाला जो है थोड़ा सा और दे देती हूँ मिर्च पाउडर। अभी हम लोग इसके साथ जो है खाना खाएंगे। दोनों थोड़ा दे दिया ना, हो जाएगा। और भी बनाना पड़ेगा, इतना टेस्टी हुआ है, बहुत ही बढ़िया हुआ है। चलो हो जाएगा। तो आप लोग जो है जिसने भी देख लिया, ये देखो बहुत ही सिंपल है, इससे खाइए। आप लोग भी बना लीजिए, इससे बहुत ही सिंपल है, फर्मेंटेड बेम्बू सूट के साथ बहुत ही बढ़िया होता है, एकदम जबरदस्त। चलो अभी थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। तो मैंने जो है कटोरे पे ले लिया है चावल और थोड़ा बेम्बू सूट का अचार, अभी खाते हैं हम दोनों। चलो अभी शुरू नहीं, हम तीनों हम तीनों पूरा शक्ल देख सकते हो एकदम कैसा हाल हो चुका है गर्मी में। तो खाना वगैरह भी खा लिया है, वो फर्मेंटेड बेम्बू सूट का अचार के साथ बहुत ही बढ़िया लगा। गर्मी के कारण पूरा हालत खराब हो चुका है हम सभी का। तो अभी वीडियो भी ज्यादा लंबा चौड़ा हो रही है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो आप लोग जो है ऐसे सिंपल सा रेसिपीज जो है आप लोग भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप लोगों से फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।